झुंझुनू का नाम आते ही सेना के जवानों का चेहरा सामने आता है, लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते बदले हालातों के बाद किसानों की दरियादिली की भी खूब चर्चा हो रही है। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किसान अपनी 6 माह की कमाई को सौंप कर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जिले के खेतड़ी और सूरजगढ़ में किसान 300 क्विंटल गेहूं प्रशासन को अभी तक सौंप चुके हैं, जो कि जरूरतमंद लोगों में बांटा जा रहा है। किसानों को सबसे पहले इस काम के लिए वन विभाग के रेंजर विजय फगेड़िया ने मोटिवेट किया। बड़ाऊ तन में चोली की दाढ़ी और हम सरकार का सहयोग में गेहूं देने के लिए पूरा किसान सारा इच्छुक था और देने के लिए बहुत राजी है। अरे चोली गिराने की तरफ से सभी किसानों ने इकट्ठा होकर यह डिसीजन लिया कि सब हम अपने हिसाब से गेहूं को इकट्ठा करेंगे और ये हमारा सिर्फ प्रथम स्टेज का है। दूसरे चरण में पशु पक्षियों के लिए और जो आवारा पशु हैं उनके लिए शहरों में, उनके लिए भी सुचारू रूप से कोई दूसरी स्टेप उठाई जाएगी। कुएं के जो भी कुएं वाले जो लोग थे उन्होंने अपने कुएं से 1-1 क्विंटल गेहूं का योगदान करके वो 100 क्विंटल गेहूं केवल दोबड़ा ग्राम से प्रशासन को दिए गए। जो मौके पर मैं स्वयं BDO साहब, नायब साहब और अन्य स्टाफ के साथ उपस्थित होकर उनको लिया और BDO साहब को वहीं उनको सुपुर्द कर दिया गया।